बेसिकली क्या है कि जितनी भी टेक्निक्स हैं वो मोस्ट प्रोबली मैं ज़्यादा सभी डिस्कस कर लिए हैं। कुछ एक कंसेप्ट और मैं आगे करूँगा, पर अभी कमिंग एक दो क्लास तक हम प्रैक्टिकल केसेस ही केवल डिस्कस करेंगे, जो भी टेक्निक्स हमने लिए हैं कि एक्चुअली हाउ टू प्रोसीड। एक कुंडली आ गई हमारे पास, तो उसमें हम किस तरीके से टाइम निकालेंगे यूजिंग कंपोजिट टेक्निक। अब क्या है कि ये प्रैक्टिकली जिन्होंने भी करना है, प्रोफेशनली करना है, जैसे भी है, ये इनिशियली यदि आप लगाओगे तो आपको काफी टाइम टेकिंग लगेगी और लोग वो बच जाते हैं कि इतना सारा कौन करेगा। पर जब हम इसको आप करते रहेंगे तो आपको इसको 10 मिनट भी नहीं लगेगा। एक कुंडली पर कोई भी चार्ट लगाकर हम किसी भी पर्सन की कंसल्टेंसी यदि करते हैं, उसे बताते हैं, और आप उसको यदि आधे घंटे से पहले कुंडली को एनालाइज करके दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रेडिक्शन उतनी सटीक नहीं जाएगी। एक और एस्ट्रोलॉजी का ये नियम है, थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट लूंगा क्योंकि ये बताना जरूरी है। अभी हमारा कोर्स एंड में पहुंच चुका है करीब करीब, तो हालांकि मैं और भी कुछ चीजें करूंगा इसमें, क्लासेस अभी हमारी चलती रहेंगी। तो हम क्या होता है, एक एस्ट्रोलॉजर जब एक किसी भी कुंडली को एनालिसिस करता है तो ये उसके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि वो जो बता रहा है वो सही है या नहीं। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपका यूनिवर्स आपकी मदद करेगा, आपका एनवायरनमेंट आपकी मदद करेगा, आपकी सोल आपकी मदद करेगी, ईश्वर आपकी मदद करेगा। ये सब लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं, बगैर उनकी मदद के कुछ होगा नहीं। तो उसके लिए पहला तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको आप जो बताएंगे वो सही बताएंगे, मतलब मैनिपुलेट नहीं करेंगे आपको जो दिखाई दे रहा है। मैनिपुलेशन इन बेटर वे आप कर सकते हो कि किसी का कुछ बुरा दिख रहा है, किसी की कुंडली में आपको लग रहा है कि इसकी मैरिज नहीं हो सकती, तो आप उसको इतना मैनिपुलेट कहेंगे कि कुछ डिफिकल्टी नजर आ रही है, क्योंकि ब्लंटली ये बोलना भी ठीक नहीं है कि आपकी तो मैरिज हो ही नहीं सकती। तो आप कहेंगे कि इसके अंदर आपकी कुंडली में डिफिकल्टी है, योग नहीं है। मगर आपके अंदर ये साहस होना चाहिए ऑलवेज कि आप उस चीज को, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कुंडली देख रहा हूं, आप जो भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, बगैर ईश्वर की परमिशन के आपकी एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं जाएगी। आप कितने ही कॉम्बिनेशन लगा लो, हो सकता है 100% हम गलत बता रहे हो, मगर आपके अंदर जब ये ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, अपनी विद्या के प्रति आपको श्रद्धा होनी चाहिए पूरी तरीके से, ये बिल्कुल यदि आपके अंदर 1% भी डाउट आपने रखा हुआ है कि मैं जो बता पा रहा हूँ वो सही है गलत है, तो वो गलत ही होगा, ये मान लीजिए आप, वो सही नहीं हो सकता। तो सही होने के लिए हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, सुपर पावर से कनेक्ट करना है, और सुपर पावर से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले अपने आप से, अपनी आत्मा से कनेक्ट करना है। और आत्मा से कनेक्ट होने का तरीका है कि हम खुद जान लें कि हम जो बता रहे हैं वो सही है, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे मैं आपको ये टेक्निक एक बता रहा हूं, अब आप सर्कमस्पेक्ट हो जाओ, इसमें डाउटफुल हो जाओ, लगेगी नहीं लगेगी, तब तो कुछ भी नहीं लगेगा, पूरी एस्ट्रोलॉजी यूजलेस है यदि आप ये डाउट क्रिएट करते हो। आपके मन में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सारी चीजें ये लगा रहा हूं, अब ये लगेगी 100% लगेगी, और ऐसा आपको बिलीव होना चाहिए। ये मैंने स्टार्टिंग में बोला है, तो जो अभी मैं टेक्निक बता रहा हूं उससे बेहतरीन कोई टेक्निक नहीं है, ये मुझे पता है, मतलब आई बिलीव दिस कि मैं जो टेक्निक मैंने जो बनाई है इससे बेहतरीन एस्ट्रोलॉजी की कोई टेक्निक नहीं है। और मेरा विश्वास है कि ये चीज आगे चल के आपको पता लगेगा कि सब लोग इसे ही यूज कर रहे होंगे, ऐसा मेरा फर्म बिलीव है। और मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप जो अभी हम टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं, मैंने जो भी 10-15 क्लासेस में जो भी आपको बताया है उसको मिला जुला के जो मैं अभी बता रहा हूँ इसके अंदर मैं सब कुछ लगा रहा हूँ, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। मैं केवल लाल किताब नहीं लगा रहा, लाल किताब के जो फंडे होते हैं वो एक प्लेनेट पे बेस्ड है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे देख रहा है, इसे देख रहा है, वैसा कुछ होता नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। एक प्लेनेट कुछ भी नहीं कर सकता, वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, जो मर्जी हो, किसी नक्षत्र में हो, किसी राशि में हो, उसके कोई बस की नहीं होती। आपको अल्टीमेट कॉम्बिनेशन लगाना है, और आपको जब तक प्रॉमिस ओवरऑल नजर नहीं आता है तब तक आपका कोई भी काम हो नहीं सकता है। दशाएं प्रॉपर नहीं है तब तक कोई काम नहीं हो सकता। यदि किसी केस में हो रहा है तो आप अपने कॉन्फिडेंस और अपनी टेक्निक से डिगेंगे नहीं, आपकी 10% 15% प्रेडिक्शन गलत भी जाएंगी, 20% गलत जाएंगी, मगर आपको टिके रहना है कि मैं जो लगा रहा हूँ वही मैं लगाऊंगा। तब आप देखेंगे आपको अपना आप उसमें मॉडिफिकेशन करना सीख जाएंगे, और आप मतलब 100-200 कुंडलियां देखेंगे तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल 100% के सिर्फ आप ये कहने की स्थिति में आ जाओगे कि मैं जो बता रहा हूं वही होने वाला है।
तो चलो ये तो मैंने आपको एक अपनी एक बात की, क्योंकि ये मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये लगती है नहीं लगती है, हमें तो आता ही नहीं है, हमने तो सारा ये कोर्स कर लिया वो कोर्स कर लिया और हम प्रेडिक्ट कर नहीं पाते हैं। उसका रीजन है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं क्रिएट कर रहे अपने अंदर, आप कुंडली देखना ही नहीं शुरू कर रहे, पहले ही डरे हुए हैं। पर इसलिए मेरा जो मेथड है वो मैथमेटिकल है, आप इसे कुंडलियों पर लगाएं। बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, मेरे पास कितने ही लोग कोर्स कर चुके हैं जो कि इसको 100% यूज कर रहे हैं और मेरे को रोजाना बताते हैं, मैं भी देखता हूँ इसी तरीके से कितनी ही कुंडलियां देख चुका, नेगेटिव भी व्यूज आते हैं मगर पॉजिटिव आपको जरूरत से ज्यादा मिलेंगे। तो इनिशियली मैंने इसलिए सारी बात कही है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए कि जो हम ये टेक्निक करने वाले हैं इससे बेहतरीन एस्ट्रोलॉजी में कोई नहीं है। इसमें जितने भी महान एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका आप नाम जानते हो सबकी टेक्निक मैंने इंक्लूड की हुई है, चाहे वो बीवी रमन हो, के एन राव हो, जिनका आज के टाइम में हम नाम जानते हैं, और जो उनसे बड़े हैं जिनका नाम हम नहीं जानते उनकी भी टेक्निक मैंने यूज की है। क्योंकि नाम तो उसका जानेंगे जो अपना नाम मार्केटिंग करेगा, बाजार में बिकेगा, उन लोगों का नाम कोई नहीं जानता है जो बाजार में नहीं बिकते हैं, मगर असली एस्ट्रोलॉजर वही है जो मार्केट में नहीं बिकते हैं। और मैं भी ऐसे कोई 20 एस्ट्रोलॉजर से रोजाना, मतलब मेरा काम ही है कि मैं यही रिसर्च करता रहता हूँ कि कोई मुझे कोई एक सूत्र बता दे छोटा सा, और उन्हें मैं एक्यूमुलेट करने की कोशिश करता हूँ किसी बुक में मिल जाए, मगर मेरा केवल ये वो होता है कि मैं उसको कुंडलियों पर लगाए बगैर नहीं एक्यूमुलेट करता। किसी ने अपनी बुक में कुछ भी लिख दिया हो मैं उसको तब तक बिलीव नहीं करता जब तक वो कि 10-20 कुंडलियों में से यदि 50% से ऊपर में नहीं लगता हो। तो आप सबको ये मैं यकीन दिला रहा हूँ, आप इस टेक्निक को लगाइएगा और अपनी कुंडलियों पर लगाकर जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं वो काम शुरू करिएगा। ये केवल टाइमिंग ऑफ मैरिज आपको आपकी अर्निंग दे देगी, डे टू डे अर्निंग कर सकते हो इसके बेस पर, बट आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। यानी कि अभी आपने सीखा 3 दिन बाद आप भूल जाओगे और इसके बाद आप ये कहोगे कि हमने तो वहां से भी सीखा यहाँ से भी सीखा हमें कुछ नहीं आया। तो आप पहले पानी के अंदर जाइए, आप तैर पाओगे मुझे यकीन है। चलो मैं शुरू करता हूँ, काफी देर में बोल लिया। ये 2 केसेस हैं मेरे पास, तो अर्लियर क्लासेस में भी मैंने डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने, आज आपने देखा है कि स्क्रीन पे गणेश जी की वो डाली हुई है, तो एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजी के भगवान हैं वो श्री गणेश हैं। और आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो आप गणेश जी को जरूर याद करें, क्योंकि बगैर ईश्वर के हम एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते। आप इनका मंत्र पढ़ना चाहें तो उसे भी पढ़ सकते हैं हमेशा, वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्ने कुरमे देव सब सर्व कार्येषु सर्वदा, उन्हें याद करके आप करें। अब ये एक फर्स्ट वन में कुंडली ले रहा हूं और इसके अंदर ये इसकी बर्थ डिटेल है। बर्थ टाइम है 29th अगस्त 1989, टाइम ऑफ बर्थ है 11:50 AM दिल्ली। तो प्रीवियस मेरे जो बैचेस में जिन्होंने किया है उन्हें पता ही होगा ये वही कुंडली है, कोई नई कुंडली नहीं है। तो मेरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का केवल ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको किस तरीके से इस कुंडली को मैं देखूंगा। और ये हमारे यहाँ पे भारतीय विद्यावन से ये भी इन्होंने आचार्य रिसर्च किया जिनकी कुंडली है, और ये गोल्ड मेडलिस्ट थी ये लड़की 2 बार लगातार। तो इनकी मैरिज नहीं हो रही थी तो मैंने इनको एनालाइज करके दिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कुंडलियाँ ली हुई हैं, बस एक लग्न कुंडली ली है एक नवांश कुंडली ली हुई है। इसके अंदर प्रॉमिस चेक किया मैंने सबसे पहले कि मैरिज क्यों नहीं हो रही, क्या प्रॉमिस में कोई दिक्कत है क्या। प्रॉमिस जब भी चेक करता हूँ मैं ये मानकर चलता हूँ कि मुझे पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है, नेगेटिव नहीं ढूंढना। मैरिज तो होगी ही ये मैं मानकर चल रहा हूँ, नहीं होगी वो बहुत रेयर केस है, मैरिज आपकी ज्यादातर केसेस में होती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लग्न देखा D1 का, पैरामीटर वही है जो मैं ऑलरेडी चेकलिस्ट में दे चुका हूँ कि लग्न देखना है, लग्नेश देखना है, सेवेंथ हाउस देखना है, सेवेंथ लॉर्ड देखना है, कारक वीनस देखना है और वीनस से 7वां भाव देखना है, चाहे पुरुष की कुंडली हो या महिला की कुंडली हो। दोनों के लिए शादी का कारक शुक्र होता है, जुपिटर पति का कारक होता है, और पति और शादी में डिफरेंस है। पति के बारे में जानना है तो जुपिटर को देखेंगे, मगर शादी के बारे में जानना है तो शुक्र को देखेंगे। ये सेम पैरामीटर इनमें से लग्न और लग्नेश को छोड़ दीजिए, सेम पैरामीटर हमें D9 चार्ट के अंदर भी जाकर देखना है। इतनी चीजें हम चेक करेंगे और प्रॉमिस उससे पता चल जाएगा। यहाँ पर लग्न एक्सपेक्टेड है भाई, जुपिटर देखिए, जुपिटर देख रहा है 5th दृष्टि से। जुपिटर इस कुंडली के लिए फंक्शनल मेलिफिक है, वो आपका 3rd एंड 6th लॉर्ड है, मगर जुपिटर आपका फंक्शन नेचुरल बेनिफिक है।
लाइफ से रिलेटेड इवेंट जिसमें इंसान की लाइफ इन्वॉल्व होती है, उसका शरीर इन्वॉल्व होता है, उसमें फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये मानकर चले उसे अब वेटेज इवन वो सॉरी नेचुरल बेनिफिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको फंक्शनल बेनिफिक से ऊपर रख सकते हो आप हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स में, प्रोजेनी से रिलेटेड मैटर्स में, और जो मैरिज से रिलेटेड मैटर्स में जो नेचुरल बेनिफिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इनकी लग्न को ये देख रहा है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है ये, क्योंकि फंक्शनल मैलिफिक है इसलिए मैंने इनकी लग्न को न्यूट्रल कंसीडर कर लिया है, ना पॉजिटिव कंसीडर किया है ना ही नेगेटिव कंसीडर किया है। अब मैं दूसरा पैरामीटर देख रहा हूँ इनका लग्न लॉर्ड। अब देखिए ध्यान से समझिए एक एक चीज जो मैं चेक कर रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। लग्न लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस यहाँ पर चला गया, लग्न लॉर्ड शुक्र है जो बारहवें भाव में नीच की राशि में होकर बैठा है, नीच की राशि में वो बैठा है मगर वहां पर मरकरी भी बैठा हुआ है तो नीच भंग हो रहा है इसमें, तो नीच भंग यहाँ पर हो रहा है। तो इन दिस केस लग्न लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में डेबिलिटेटेड है बट नीच भंग है, तो नीच भंग है बारहवें भाव में लग्न लॉर्ड जब भी चला जाता है। ये अपना मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। लग्न लॉर्ड बारहवें भाव में जाता है तो जनरली हम क्या करते हैं आज के समय में कहेंगे कि ये फॉरेन में जाकर रहेगा, डिस्टेंट प्लेस पे जाकर रहेगा, ऐसी जगह पे जाकर रहेगा जहाँ पे इसकी कल्चर बदल जाती है, या उसे कहे आइसोलेशन में रहेगा, जेल योग भी एक बनता है पर आप आइसोलेशन तरीके का मानिएगा। तो ये पर्सन साथ में यहाँ पर क्या है कि इस पर सैटर्न की दृष्टि है, दसवीं टेंथ एस्पेक्ट है सैटर्न का, तो वो उसने सैटर्न यहाँ पर इसके लिए योग कारक है मगर फंक्शनल मैलिफिक भी है ये। तो ओवरऑल हम जब दोनों तरीके का इन्फ्लुएंस है तो अति योग कारक का एस्पेक्ट ऑलवेज बेटर माना जाएगा, जो कि केंद्रीय त्रिकोण का राजयोग हो उसका किसी भी तरीके का असर है वो बेटर करता है उस चीज को। तो यहाँ पे नीच भंग हो रहा है साथ साथ में ये आपको इसको योग कारक एस्पेक्ट कर रहा है, और साथ में ये एक एक्चुअली केंद्रीय त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है बारहवें भाव के अंदर नीच भंग के साथ साथ, क्योंकि मरकरी यहाँ पर एक्चुअली नाइन्थ लॉर्ड है और वीनस यहाँ पर लग्न लॉर्ड है, तो नीच भंग राजयोग भी है इसके अंदर, आपका केंद्रीय त्रिकोण राजयोग भी है, इसको एक अति योग कारक प्लेनेट एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो लग्न लॉर्ड की स्थिति यहाँ पर आप उसको स्ट्रांग मानेंगे, प्लेसमेंट उसका थोड़ा बारहवें भाव में इसलिए वीक है, मगर आज के टाइम में बारहवें भाव का प्लेसमेंट उतना ज्यादा हम खराब कंसिडर कर नहीं सकते। फर्दर मैं आ जाता हूँ इनके अब डीवन चार्ट के सेवेंथ हाउस पर, सेवेंथ हाउस को देखता हूँ, इस पर किसी की भी एस्पेक्ट नहीं, आप देख लीजिए कोई एक आध चीज़ है हो सकता है मैं मिस कर जाऊँ तो आप उसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर कोई भी एस्पेक्ट नहीं है तो ये न्यूट्रल हो गया। सेवेंथ लॉर्ड जो है मार्स ये यहाँ पर बैठा हुआ है आपके ग्यारहवें भाव में, ये पहली बात ये मित्र राशि में है मगर ये कम्बस्ट हो रखा है, कम्बस्टेड है, राहु केतु एक्सिस पर है तो ये एक तरीके से, और वैसे उपचय भाव में है मगर एक कम्बस्ट होने की वजह से, राहु केतु एक्सिस पर होने की वजह से ये पीड़ित थी इसको मानेंगे। तो यहां पर क्या है सेवेंथ लॉर्ड मार्स कम्बस्टेड इन उपचय हाउसेस इन फ्रेंड साइन ऑन राहु केतु एक्सिस, अब ये फ्रेंड साइन में है तो पॉजिटिव चीज है मगर वो कम्बस्ट है और करीब करीब से ही कम्बस्ट है, वो डिग्रीज आपको नहीं दिख रही होंगी, क्लोज कम्बशन है तो राहु केतु एक्सिस है तो डबल एफ्लिक्शन हो गया, मित्र के साथ है मित्र राशि में वो एक अलग चीज है मगर जब कम्बस्ट हो जाता है प्लेनेट तो उसके अंदर ताकत नहीं रहती, वो किसी भी राशि में चला जाए वो उतना बेहतर रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं होता। तो सेवेंथ लॉर्ड यहाँ पर पीड़ित है एक तरीके से। अब आ जाते हैं हमने सेवेंथ हाउस देख लिया, सेवेंथ लॉर्ड शुक्र को मैं ऑलरेडी देख ही चुका हूं तो शुक्र को फिर से देखने की जरूरत नहीं है, शुक्र से सातवां भाव सेवेंथ फ्रॉम शुक्र उसको यहाँ पर मार्स एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मार्स एक्सपेक्ट कर रहा है तो मार्स एक देखिए नेचुरल भी मैलिफिक है और वैसे भी इस कुंडली के लिए भी वो मैलिफिक ही है, तो मार्स यहाँ पर इसको एस्पेक्ट कर रहा है तो सेवेंथ फ्रॉम वीनस नेगेटिव है। अब मैरिज से रिलेटेड पैरामीटर मतलब जो इनकी लग्न से रिलेटेड पैरामीटर ठीक ठाक है कोई खराब नहीं है, मैरिज से रिलेटेड जो चार पैरामीटर थे सेवेंथ हाउस वो न्यूट्रल था, सेवेंथ लॉर्ड पीड़ित है और शुक्र को आप ठीक ठाक बोल सकते हो कि उसको बहुत पीड़ित भी नहीं कह सकते और बहुत स्ट्रांग भी नहीं कह सकते, मिली जुली स्थिति है उसकी, पर नीच भंग बना रहा है केंद्रित कोण राजयोग बना रहा है उसको योग कारक बना रहा है तो उसको मैं पॉजिटिव साइड में ही लूंगा। तो मैं डीवन चार्ट में इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहा कि इनकी मैरिज नहीं होगी, मतलब मैं इसको पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा दूंगा और मेरी नजर में इसकी मैरिज होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, मतलब प्रॉमिस इज देयर। अब आ जाता हूं मैं डी नाइन चार्ट पर, डी नाइन में सेवेंथ हाउस को देखते हैं, वहां पर मून बैठा हुआ है तो मून ठीक है यहाँ पर प्लेस्ड है तो कोई
प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर हम यहां पर देखते हैं, देखिए एस्पेक्टेड बाई बेनिफिक वीनस, उसको शुक्र एक्सपेक्ट भी कर रहा है, तो ये आपका सेवेंथ हाउस ठीक ठाक हो गया, शुक्र से एक्सपेक्ट कर रहा है। फर्दर सेवेंथ लॉर्ड जुपिटर जो है आपका वो डेबिलिटेड होकर एट्थ हाउस के अंदर बैठ गया, तो ये नेगेटिव फैक्टर हो गया इसके अंदर। नीच का होके एट्थ हाउस के अंदर सेवेंथ लॉर्ड बैठा हुआ है, उसे मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है, ये एक दूसरा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो गया। तो सेवेंथ लॉर्ड बुरी तरह पीड़ित हो गया, उसका भाव देख लें तो पीड़ित है, उसकी राशि देख लें तो पीड़ित है, उसको एस्पेक्ट देख लें तो पीड़ित है, उधर से सूर्य भी देख रहे हैं तो सारे नेगेटिव प्लेनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो सेवेंथ लॉर्ड की यहाँ पर अब मतलब अति पीड़ित बोल सकते हो उसको, बैडली एफ्लिक्टेड। शुक्र की स्थिति देखते हैं तो वो अपना मित्र राशि में लग्न में जाकर बैठ गया है। शुक्र फ्रेंड साइन में है, एस्पेक्ट इसको मून कर रहा है और ये आपका मून देख रहा है, तो ये वेल प्लेस्ड है, तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति ठीक ठाक है। सेवेंथ फ्रॉम शुक्र फिर मून बैठा ही हुआ है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो सेवेंथ फ्रॉम मून एक्चुअली सेवेंथ ही हाउस है। अब मैं देखिए इसमें मैं एक चीज और देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए वीनस लग्न में बैठा हुआ है तो उस पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है क्या, तो वीनस लग्न में है, नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। इनका मैंने नवांश फिर और एक देखा जो जनरली मैं डिविजनल चार्ट में देखता हूँ, देखिए उसके केंद्र स्थान बड़े स्ट्रोंग हैं नवांश के, उसमें आपका वीनस यहाँ पर एक बेनिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है, मरकरी भी बेनिफिक है इनके लिए डिवन चार्ट में, तो मरकरी भी बेनिफिक बैठा हुआ है, हालांकि मरकरी नीच का होकर बैठा है, कोई बात नहीं। मून हालांकि इनकी डिवन चार्ट के लिए बेनिफिक नहीं है, स्टिल उसका उतना नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो इनके केंद्र स्थानों पर जब भी किसी डिविजनल चार्ट में यदि बेनिफिक प्लेनेट आ जाते हैं तो उस डिविजन से रिलेटेड बेटर रिजल्ट एक्सपेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉमिस इज देयर इन दिस कुंडली, कंक्लूड मैंने किया कि मल्टीपल प्रॉमिस नजर आ रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स आर आल्सो देयर, मगर प्रॉमिस को डिनाई नहीं कर सकते। सेवेंथ लॉर्ड पीड़ित है D9 में बुरी तरीके से, तो उसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। और D1 के अंदर भी यदि मैं सेवेंथ लॉर्ड को देखूं, दोनों जगह पर सेवेंथ लॉर्ड पीड़ित है मगर सातवां भाव पीड़ित नहीं है, शुक्र की स्थिति ठीक ठाक है, इसलिए प्रॉमिस इज देयर, देयर इज नो चांस ऑफ डिनाइल। अब मैं इसकी बात करूंगा, प्रॉमिस मैंने देख लिया तो अब मैं इनका टाइम निकालूंगा। टाइम का ये मैं आपको सीधा सा फंडा बता देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा क्यों पर नहीं जाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी में हमें यूं पर जाना चाहिए। जब हमारे पास कोई पर्सन अप्रोच किया, समझ लीजिए उसका उसके भाव एक्टिवेटेड है, उसका माइंड एक्टिवेटेड है, यूनिवर्स ने उसको सिग्नल दिया है, एस्ट्रोलॉजर तक कोई व्यक्ति जाता नहीं है जब तक कि पूरी तरीके से उसके मन के अंदर इच्छा ना हो जाए। जब इच्छा होती है तभी कार्य होता है, आप ऐसा मानकर चलें, तो हमें उसके पास में नहीं जाना कि उसकी मैरिज अब तक नहीं हुई उसका हम कारण ढूंढने लग जाएं, उसमें हमें नहीं जाना, हमें ये ढूंढना है कि जब भी वो व्यक्ति हमारे पास आता है, समझ लीजिए उसका इवेंट होने की सबसे ज्यादा संभावना है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो एफर्ट कर रहा है, एस्ट्रोलॉजर उसके एफर्ट में सबसे बाद की स्थिति में आता है, जो वो सब जगह से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। तो अब आपके पास जब आ गया तो अब आप मानिए, आप नियरेस्ट डेट निकालिए, उसी डेट में उसका काम होने वाला है 100%। तो इनका हमने भृगुनंदी नाड़ी में कंसेप्ट लगाता हूँ, दिस इज माई स्टेप नंबर 2 इन द चेकलिस्ट। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर हम जाकर देखते हैं तो यहाँ पर मैं देखता हूँ इनके जुपिटर जहाँ पर बैठे हैं उनकी डिग्री 11 है। तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ जुपिटर की डिग्री 11 है, इसका मतलब ये 4 ईयर ऑलरेडी चल के आ चुका है, 8 ईयर अभी और ये फर्स्ट प्रोग्रेशन में 8 ईयर चलेगा, वो उसी राशि से प्रोग्रेस करेगा जिस राशि में बैठा हुआ है। इसके बाद 9 मतलब रनिंग 9 से लेकर 20 ईयर तक वो अगली राशि से प्रोग्रेस करेगा, 21 से लेकर 32 तक अगली राशि से प्रोग्रेस करेगा, और 33 से उससे अगली राशि से प्रोग्रेस करेगा। तो 6 साइन से जुपिटर 33 ईयर से स्टार्ट करेगा, इनकी एज ऑलरेडी 35 के आसपास हो चुकी है, 35 हो ही चुकी है, तो अब हम 33 ईयर बियॉन्ड देखेंगे। ये मैंने जो रेड मार्क किए हुए हैं ये मैंने इनकी मार्स से ट्राइन पोजीशन ली हुई है, 1, 5, 7, 9, तो मार्स से लेते हैं फीमेल नेटिव के केस में, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया। तो जब भी जुपिटर इन पर्टिकुलर रेड मार्क वाले भावों में प्रोग्रेशन में पहुंचेगा तब नेटिव की मैरिज होगी। तो देखिए 33 ईयर हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, और 36 रनिंग ईयर यहाँ पर नजर आ रहा है, इसके बाद 38 आएगा, फिर 40 आएगा। तो 3 साल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं भृगुनंदी नाड़ी से, एज में निकालता हूँ हर एक केस में, इसी को मैं यूज करूंगा क्योंकि बाकी के कंपैरिजन में मुझे ज्यादा
सपोर्टिव लगी और ज़्यादा सटीक लगी जो मैंने अपने प्रैक्टिकली किया इसको, तो मैंने इनकी तीन प्रोबेबल एज निकाल ली, 36, 38 एंड 40। नियरेस्ट एज इज 36th ईयर है अभी करेंटली जो हमारे पास चल रही है, और 36th ईयर का मतलब है मैरिज इज पॉसिबल एज पर भृगु नंदीनाड़ी फ्रॉम 29th ऑफ अगस्त 2024 टू 29th ऑफ अगस्त 2025। तो ये आपका 1 ईयर का पीरियड मैंने यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ भृगु नंदीनाड़ी, इससे मुझे एक थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इस पर्टिकुलर पीरियड में इस नेटिव की मैरिज हो सकती है। जस्ट आइडिया के लिए मैंने इसको यूज किया और कोई इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया था यहाँ पे स्टेप नंबर 3 एलिजिबल दशा सिलेक्शन, सारा दशा के बेस पर आगे बढ़ेंगे। तो दशा सिलेक्शन में यहाँ पर मैंने देखा इनका, देखिए चंद्रमा ज्यादा बेहतरीन स्थिति में है, यहाँ पर वो अपनी राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो मैंने इसके कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखे थे, तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं है। तो अब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप लग्न से भी ले सकते हो और चंद्रमा से भी ले सकते हो, 1 7 12 लग्न से भी देख सकते हो, चंद्रमा से भी देख सकते हो, 1 8 लग्न से भी देख सकते हो, चंद्रमा से भी देख सकते हो। प्रिफर हमें लग्न करनी चाहिए मगर चंद्रमा से भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका फर्दर हम रीचेक करते हैं अदर टू टेक्निक्स। तो मैंने आज चंद्रमा लिया, वो ओन साइन के अंदर बैठा हुआ था केंद्र के अंदर, तो उसकी स्थिति मुझे ठीक लगी। हालांकि वो पक्ष बल में है तो कमजोर है, फिर भी वो स्व राशि का है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको चंद्रमा को कंसिडर किया। तो 1 7 और 12 चंद्रमा से, 1 का मतलब खुद चंद्रमा हो गया फर्स्ट लॉर्ड, 7th लॉर्ड का मतलब शनि हो गया और 12th लॉर्ड का मतलब यहां से मरकरी हो गया। तो मैंने लिख लिया है मून सैटर्न एंड मरकरी। अब एक कॉम्बिनेशन क्या है कि यदि राहु और केतु भी इनमें से जो प्लेनेट एलिजिबल हो रहे हैं उनकी उनमें से किसी की राशि में बैठे हों तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहां पर देखता हूं मैं, केतु तो सूर्य की राशि में बैठा है मगर राहु शनि की राशि में बैठा हुआ है और शनि इस लिस्ट में आ रहा है। देखिए मून सैटर्न मरकरी में शनि आ रहा है इसलिए राहु उसकी राशि में बैठा है तो ये भी एलिजिबल हो गया। और शुक्र हमेशा एलिजिबल होता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये 5 प्लेनेटों की अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा में नेटिव की मैरिज हो सकती है। प्लेनेट कौन कौन से, मून सैटर्न मरकरी राहु एंड वीनस, ये 5 ग्रह मैंने यहाँ पर पिन पॉइंट कर लिए, शॉर्ट लिस्ट कर लिए कि इन पांचों की अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में मैरिज होगी। मां दशा मैंने कंसीडर नहीं की है, मां दशा मैं कंसीडर नहीं करता, किसी भी चीज में नहीं करता। तो मून सैटर्न मरकरी राहु और वीनस इन पांचों की अंतर दशाओं में मैरिज हो सकती है, मैंने दशा पिन पॉइंट कर ली। अब दशा को देखने के लिए मैंने उसकी ना रनिंग दशा देखी है ना कुछ देखी है, मैंने उसकी कुंडली D1 की कुंडली देखी है। अब देखता हूं मैं यहां पर एलिजिबल दशा जो चल रही है इनकी, इनमें से मैंने देखा कि कौन सी दशा अभी करंटली चल रही है। जैसा मैंने बताया था कि हमें दशा वही लेनी है जो कि नियरेस्ट पॉसिबल हो, तो नियरेस्ट में जो दशा बन रही है इनकी, देखिए वीनस सैटर्न दशा है 8/10/2022 से लेकर 8/12/2025 तक, ये मैंने यहाँ पर दशा अंतर दशा का ये चार्ट लगा रखा है। तो ये चल रही है 8 अक्टूबर 2022 से लेकर 8 दिसंबर 2025 तक। अब यह नेचुरल क्वेश्चन आएगा सभी इंटेलिजेंट लोगों का कि ये तो 22 से शुरू हुई थी और 25 तो अब तक क्यों नहीं मैरिज हुई। तो मैंने अभी बताया था हम इस डिस्प्यूट में नहीं पड़ेंगे, अब तक क्यों नहीं हुई, हमारा काम उस डेट से शुरू है जिस डेट को वो पर्सन हमें अप्रोच करता है। हालांकि इसके रीजन मैं बता सकता हूं पर मैं यहां पर आपको भी एडवाइस करूंगा कि हमने उसके पास में नहीं जाके देखना कि उसकी क्यों नहीं मैरिज हुई, उसके अपने रीजन हो सकते हैं। मैरिज में सबसे बड़ा अपना रीजन होता है नहीं होने का, और होने का भी अपना ही रीजन होता है। व्यक्ति जब तक नहीं चाहेगा मैरिज नहीं हो सकती, और व्यक्ति जब चाहेगा तब मैरिज होगी। पहले उसने माइंड ही नहीं बना रखा था, डिसाइड ही ये कर रखा था कि मुझे मैरिज ही नहीं करनी है, बाद में उसने डिसाइड किया मुझे मैरिज करनी है तभी मैरिज होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं देश काल पात्र, तो पात्र को देखकर हमें डिसाइड करना है। चलो ये हमने ले लिया सैटर्न वीनस, मैंने डिसाइड कर लिया वीनस सैटर्न। अब सैटर्न में अब मैं ढूंढूंगा, ये मैंने अंतर दशा ले ली, अब प्रत्यंतर दशा में ढूंढूंगा सैटर्न में। तो देखिए मैंने पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे सैटर्न की जो अंतर दशा है उसमें अभी जो नियरेस्ट जब मैं इसको देख रहा हूं तो वो प्रत्यंतर दशा यहां पर इसकी मून की आ रही थी अगस्त में, जब मैंने इसको देखा है तो प्रत्यंतर दशा किसकी आ रही है, मून की, और मून की प्रत्यंतर दशा आ रही है 8/11/2024 तक। अभी एलिजिबल पीरियड में देख लीजिए किस तरीके से देख रहा हूं, सैटर्न वीनस सैटर्न आया तो वीनस सैटर्न पीछे से चला आ रहा है, मैंने इसको जून में देखा होगा या जुलाई में देखा है, तो जुलाई में मैरिज के कोई वही नहीं थे,
और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रत्यंतर दशा मून की आ रही है वो भी एलिजिबल है क्योंकि हमारी लिस्ट में मून भी है, मगर मून की प्रत्यंतर दशा खत्म हो जाएगी 8/11/2024 को। अब मैंने पात्र देखा है, ब्राह्मण है कम्युनिटी से और ये ट्रेडिशनल वे में मैरिज करेंगे, तो देव शयन के टाइम पर कोई भी मैरिज करने वाला नहीं है, तो देव शयन का मैं ड्यूरेशन लूंगा ही नहीं, वो प्रत्यंतर दशा मैंने अपने माइंड से उसको रूल आउट कर दिया, क्योंकि हमारा अपना माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा रहना चाहिए। आप देव सोने के टाइम पर यदि किसी को उसकी दशाओं में मैरिज के लिए अलाउ कर रहे हैं या टाइम दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको इस संबंध में आना चाहिए। इसके बाद इनकी जो प्रत्यंतर दशा है वो मार्स की है, मार्स इस लिस्ट में नहीं है तो मार्स एलिजिबल नहीं हुआ सैटर्न की अंतर दशा के अंदर। फिर राहु की है आपकी प्रत्यंतर दशा, तो राहु इस लिस्ट के अंदर है तो मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया वीनस सैटर्न राहु। अब वीनस सैटर्न राहु ये देखिए मैंने आपके सामने प्रत्यंतर दशा को किस तरीके से सेलेक्ट किया है, वो चलेगी आपकी 15 जनवरी 2025 से लेके 6 जुलाई 2025 तक, ये लिख दिया मैंने 15 जनवरी है, 5 जनवरी गलती से लिखा गया है, तो 15 जनवरी 2025 से लेके 6 जुलाई 2025 तक ये पीडी है जो इसके लिए एलिजिबल है, तो वीनस सैटर्न राहु की पीडी के अंदर इसकी मैरिज हो जाएगी। मगर ये तो ड्यूरेशन 5-6 महीने की आ रही है, 6 महीने की हम उसको डेट दे देंगे कि आपकी जनवरी 25 से लेके जुलाई 25 तक आएगी, तो वो तो नाराज हो जाएगा बहुत ज्यादा, यदि उसने कोई फी दे रखी है मोटी फी दे के हमसे कंसल्टेंसी ले रहा है तो वो कहेगा जी ये तो 6 महीने में, तो कोई भी ऐसे ही बता देगा रास्ता चलते भी कि अगले 6 महीने में हो जाएगी, तब आप इसको और शॉर्टलिस्ट करेंगे। और अब हम सूक्ष्म दशा भी देखेंगे, एक नियम आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहां पर जो अंतर दशा है सेम ही प्रत्यंतर दशा हो सकती है, इसकी मैरिज सैटर्न सैटर्न में हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सैटर्न की अंतर दशा सैटर्न की प्रत्यंतर दशा, मगर सूक्ष्म दशा रिपीट नहीं होनी चाहिए, तीसरे नंबर पर सेम नहीं होना चाहिए, पहले और दूसरे नंबर पर सेम हो सकता है मगर तीसरे नंबर पर सैटर्न 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 नहीं हो सकता है, या तो बाई चांस क्या है कि पहले और सैटर्न और राहु दोनों अलग हैं तो तीसरे नंबर पर जो मर्जी आ जाए उसके अंदर काम चल जाएगा। तो देखिए यहां पर मगर आपका सूक्ष्म दशा और प्रत्यंतर दशा रिपीट नहीं हो सकती, ये रूल मैंने आपको लिखा है वो यहां पर एप्लीकेबल है, इसलिए ध्यान रखना मैंने राहु राहु पीरियड को छोड़ दिया है। अब राहु के बाद जो पीरियड आ रहा है वो जुपिटर का आ रहा है, सूक्ष्म दशा जुपिटर की आ रही है तो यहां पर जुपिटर क्या है, क्या इसके अंदर जुपिटर भी नहीं है, इसके बाद आएगा सैटर्न राहु सैटर्न, तो देखिए अंतर दशा सैटर्न की, प्रत्यंतर दशा राहु की और सूक्ष्म दशा सैटर्न की एलिजिबल हो जाएगी। ये ड्यूरेशन आ गई इनकी 3/3/2025 से लेके 1/4/2025 तक, अब इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर इनकी मैरिज हो जाएगी, ये मैंने इसको देखिए 27 डेज में शॉर्टलिस्ट कर दिया, 27 डेज हो गया शॉर्टलिस्ट। अब यहां पर इसमें हम सूक्ष्म दशा के बेस पे, क्योंकि जो इसकी सूक्ष्म दशा है वो सैटर्न की है, इतने ही दिन आपको इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, यदि सूक्ष्म दशा किसी मार्स की होती, मून की होती, ऐसे केतु की होती तो यही पीरियड 5-10-12 दिन के करीब आता, तो हम 10-12 डेज तक उसको शॉर्टलिस्ट कर देते, मगर आप 1 मंथ से ज्यादा भी शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश मत करिएगा, उससे ज्यादा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मत करिएगा, केपी वगैरह में हम टाइम और सेकंड भी बता सकते हैं, वो सही रहती है नहीं रहती है वो एक अलग बात है, मगर वैदिक में आप इतना भी यदि शॉर्टलिस्ट हमने कर लिया तो वो बहुत बड़ी बात होगी, जो आदमी 36-35 साल से वेट कर रहा है वो 1 महीना उसको बुरा नहीं लगेगा। फर्दर भी हम इसको पिन पॉइंट करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब आ जाइए ट्रेडिशनल वे में हम देख लेते हैं कि सैटर्न जिसकी अंतरदशा है वो एलिजिबल है कि नहीं, तो सैटर्न यहां पर देखता हूं मैं इस कुंडली में जाकर, सैटर्न की अंतर दशा को हमने पिक किया था वो एक्चुअली 10th एस्पेक्ट से लग लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है तो लग लॉर्ड से लिंक हो गया, और D9 चार्ट में मैंने बताया था जिसकी भी अंतर दशा में मैरिज होगी वो पहला भाव, पांचवा भाव, सातवा भाव और 9वें भाव से उसका संबंध होना कंपलसरी है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, यदि आपको कोई एक्सेप्शन मिलता है तो उसका नवांश आप बदल लीजिए, टाइम गलत है। तो यहां पर देखते हैं कि जो सैटर्न मैंने अंतर दशा ली है वो बेसिकली उसका 9th लॉर्ड हो रहा है तो इतना ही काफी है, वैसे वो 5th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब सैटर्न एलिजिबल है। तो देखिए अंतर दशा को जो आ रही है हमने जिसको क्वालिफाई किया था उसको हमने ट्रेडिशनल वे से भी और नवांस वाले फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर लिया, इसका मतलब सैटर्न की अंतर दशा पूरी तरीके से पिन पॉइंट करती है। और देखिए ड्यूरेशन हमने इसकी 27-8 डेज की यहां पर निकाल दी है नंबर 3। अब हमने देखे डेट वगैरह सब निकाल ली, अब हमारा जो काम है वो केवल कंफर्म करना है। देखिए
अभी तक जो हमने किया है इतनी देर में इसकी डेट निकाली है, एक्सप्लेन करने में मुझे हाफ एन आवर लगा है, मगर इसको करने में मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेगी, आपको भी नहीं लगेगी यदि प्रैक्टिस करेंगे तो। अब स्टेप नंबर 4, अदर ट्रांजिट कंडीशंस, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच मैं लगाऊंगा, जो कि मैं हर बार आपको बताया कि हम हर कुंडली पर ये लगाएंगे। सबसे पहले मैंने इनका विवाह सेम निकाला, तो मैं बोल रहा हूँ केवल मैं निकाल के यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। लग्न लॉर्ड है वीनस, उसका मैंने लॉन्गिट्यूड लिया 5 साइन पास 9 डिग्रीज, एंड सेवंथ लॉर्ड का लिया मार्स का 4 साइन पास 22 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पे विवाह सेम आया 10 साइन पास 1 डिग्री, मतलब विवाह सेम इनका जो मिला मुझे वो मिला एक्वेरियस साइन में, 11 साइन में विवाह सेम मिला। तो विवाह सेम पर सैटर्न अभी वहीं पर ट्रांजिट कर रहा है 11 साइन के अंदर, और विवाह सेम लॉर्ड भी सैटर्न हो गया, तो जो सैटर्न है डबल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। विवाह सेम में एक्चुअली मैंने जो कंडीशन बताई थी मैरिज के लिए, जुपिटर सैटर्न और विवाह सेम लॉर्ड, विवाह सेम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन ट्रांजिट, तो उस टाइम पर मैरिज हो जाएगी। तो यहां पर एटलीस्ट आपको विवाह सेम लॉर्ड और सैटर्न विवाह सेम को ट्रांजिट से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तीनों कंडीशन वो फुलफिल हार्डली ही होती हैं, तो यहां पर दो कंडीशन फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। फर्दर ये तो पहली कंडीशन विवाह सेम की पार्शियली फुलफिल्ड हो गई। अब देखिए इनका धारा कारक मैंने यहां पे पहले से ही फाइंड आउट करके रखा हुआ है, धारा कारक इनका 12th हाउस में जा रहा है, तो सैटर्न यहां पर अभी तो धारा कारक को एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मगर मैंने जब इनका मैरिज का टाइम क्या निकाला है, मैंने इनका टाइम निकाला है मैरिज का मैंने मार्च में, तो आपको पता है मार्च में राशि परिवर्तन कर लेगा 31st मार्च को, 12th साइन में आ जाएगा सैटर्न, 12th साइन में आते ही ये देखिए जैमिनी एस्पेक्ट से भी धारा कारक को इन्फ्लुएंस करेगा और आपके वैदिक एस्पेक्ट से भी धारा कारक को इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि जो आपकी डूल साइन है द्विस्वभाव राशि को एस्पेक्ट करती है, तो ये सैटर्न ने धारा कारक वाली कंडीशन को ये फुलफिल कर देगा उसी टाइम पे 5-10 दिन के अंदर अंदर में, और हो सकता है उसकी मैरिज भी 31st मार्च या उसके आसपास आ जाए, 1-2 दिन का कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता। अब सैटर्न रूल मैंने 4 कॉम्बिनेशन बताए थे, सैटर्न आपके उपद को इन्फ्लुएंस करे, उपद लग्न को इन्फ्लुएंस कर दे, उपद लग लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर दे, उससे ट्राइन में हो जाए, ये एक कंडीशन पहली दो कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन में वो नेटल सैटर्न या नेटल मार्स को इन्फ्लुएंस करे, वो नेटल मार्स या नेटल जुपिटर को करे, चौथी कंडीशन में वो नेटल सैटर्न को इन्फ्लुएंस करे। तो ये सैटर्न मैंने ट्रांजिट वाला रेड कलर से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ट्रांजिट वाला सैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिटिंग ऑन नेटल सैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है क्या, देखिए नहीं, नेटल सैटर्न को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, गलत है, एस्पेक्टिंग नेटल मार्स या नेटल मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है, ये उपद यहाँ पर है और उपद लॉर्ड को अभी नहीं कर रहा है, पर ये जब जो मैंने टाइम निकाला है उस टाइम पर इसकी आसपास की स्थिति रहेगी, 11-12 साइन के आसपास होगा, तो नियर अबाउट हो सकता है यदि जो हमने टाइम निकाला है उसे 4-5 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये फिर उपद को भी इन्फ्लुएंस कर जाएगा, तो वो भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और वो फिर नेटल सैटर्न को भी इन्फ्लुएंस कर जाएगा, तो ये उसी पोजीशन में है सैटर्न के एस्पेक्ट के केस में। अब 10-5 दिन आगे पीछे यदि वो इन्फ्लुएंस कर रहा हो तो उसको एज इट इज लेकर चलें, 10-5 दिन बोल रहा हूँ केवल मैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो नहीं लेके चलेंगे, और मगर मार्स को ये अभी एस्पेक्ट कर रहा है करंटली, तो आउट ऑफ 4 कंडीशन ये अभी इन्फ्लुएंस कर रहा है, और 10-5 दिन बाद जो हमने डेट निकाली है, हमने 1 अप्रैल तक निकाली है, तो इवन 30th मार्च को भी ये 12th साइन में चला जाएगा, तो ये उपद को भी इन्फ्लुएंस कर देगा, नेटल सैटर्न को भी इन्फ्लुएंस कर देगा, और साथ साथ ये आपका यहाँ से जुपिटर तो नहीं होगा खैर, पर ये कंडीशंस इसकी फुलफिल हो जाएंगी, तो ये कंडीशन सी भी मीट कर रही है। अब जुपिटर का रोल, जुपिटर इन ट्रांजिट मस्ट इन्फ्लुएंस 7th हाउस 7th लॉर्ड, और सेकंड कंडीशन है इट मस्ट इन्फ्लुएंस आरूढ़ लग्न और आरूढ़ लग्न लॉर्ड, इसमें जुपिटर कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसको मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया है। अब आ जाते हैं मार्स रूल, तो मार्स ये ट्रांजिट में 3 साइन के अंदर है, तो मार्स देखिए नेटल जुपिटर पे तो एस्पेक्ट कर रहा है, नेटल सैटर्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है, ये उपद को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो इन मार्स अपने सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो भी अवेलेबल है उन चारों को सेटिस्फाई ये करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके बाद आते हैं हम जुपिटर वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है ट्रांजिट में 1, 2, 3, 4, 5, तो जब मैरिज होती है उस टाइम पर जुपिटर वीनस को इन्फ्लुएंस करता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, तो वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैं लूंगा लग्न लॉर्ड 7th लॉर्ड इन दोनों का और सूर्य का ट्रांजिट, तो देखिए सन है वो 12th साइन में है, ट्रांजिट कर रहा होगा उस टाइम पर, रेड कलर से मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है,
तो वो लग्न लॉर्ड वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो सन ने अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। सन के लिए चार कंडीशन है, लग्न, लग्न लॉर्ड, सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड। मार्स को ले लेते हैं, मार्स सेवेंथ लॉर्ड है, वो यहां पर है, सेवेंथ लॉर्ड मार्स है, तो वो मार्स क्या कर रहा है, देखिए मार्स सेवेंथ लॉर्ड वो लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो सेवेंथ लॉर्ड के केस में भी यही कंडीशन है, वो लग्न या लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर दे, वो यहां पर इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। लग्न लॉर्ड वीनस को फोर्थ एस्पेक्ट से देख रहे हैं, वन टू थ्री फोर, ये ट्रांजिट वाले मैं मार्स की बात कर रहा हूं। अब देखते हैं सेवेंथ लॉर्ड शुक्र, तो शुक्र सेवेंथ लॉर्ड यहां पर एक्चुअली ये सिक्स हाउस में ट्वेल्थ साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है उस टाइम पर, और वो भी आपका एक्चुअली लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, तो शुक्र जो लग्न लॉर्ड है वो भी लग्न लॉर्ड के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो लग्न लॉर्ड का कंसेप्ट यह है कि लग्न लॉर्ड मस्ट इन्फ्लुएंस लग्न, सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड या लग्न लॉर्ड। तो यहाँ पर जो शुक्र है ये सेवेंथ लॉर्ड नहीं है एक्चुअली, शुक्र एक्चुअली लग्न लॉर्ड है और वो नेटल लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये सारे के सारे प्लेनेट लग्न या सेवेंथ हाउस, लग्न लॉर्ड या सेवेंथ लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यदि आप इन्हें गिने तो करीब करीब सारे के सारे प्लेनेट आ गए, और मून तो कभी भी कर जाता है, इसलिए मून की ज्यादा चिंता नहीं करनी होती, केवल आप मरकरी मैंने चेक नहीं किया, हो सकता है वो भी कर रहा हो। तो ए टू जेड प्लेनेट लग्न या सेवेंथ हाउस से रिलेटेड पैरामीटर्स को ट्रांजिट में यहां पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फर्दर देखिए यहां पर सेवेंथ हाउस के आसपास मैंने एक सूत्र बताया था कि कलेक्शन ऑफ प्लेनेट होना चाहिए मैक्सिमम, तो अब सेवेंथ हाउस के आसपास उस ड्यूरेशन में देखिए शुक्र भी है, सन भी है, जुपिटर भी है और सैटर्न भी यहाँ पे सिक्स हाउस के अंदर आ जाएगा, और मार्स भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो ये सारे के सारे प्लेनेट एट दैट वन पर्टिकुलर टाइम सेवेंथ हाउस के आसपास ही ट्रांजिट कर रहे हैं, तो और भी ये डेट कंफर्म हो जाती है। फर्दर डबल ट्रांजिट देख लेते हैं, सैटर्न एस्पेक्टिंग सेवेंथ हाउस, वन टू थ्री थर्ड दृष्टि से सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। यदि आप कहें कि ये ट्वेल्थ साइन कह रहा हूं, ट्वेल्थ साइन में आएगा तो ये लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट करने लग जाएगा यहां से, तो सैटर्न अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जुपिटर यहां पर बैठा हुआ है, वो आपके लग्न लॉर्ड शुक्र को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो जुपिटर भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डबल ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो मैंने ट्रांजिट की सारी कंडीशन आपके साथ में लगाई है, केवल एक जुपिटर की कंडीशन नहीं हो रही है जो डी लिखी हुई है, बाकी सभी कंडीशन फुल्ली कंप्लीटली आपकी अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ट्रांजिट भी इस मैरिज को अप्रूव कर रहा है। अब देखता हूं मैं जेमिनी और योगिनी से इसे कंफर्म करूंगा। जेमिनी में स्टेप नंबर फाइव, दशा मैंने ये लिख दी है यहां पर जेमिनी की, जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है, वैसे जेमिनी की दशा निकाल लेना सीखना चाहिए और उसको वेरीफाई करना आना चाहिए। ये पाइसेस में, पाइसेस की दशा है उस पीरियड में 28/11/2024 से लेकर 28/8/2025 तक, पाइसेस में पाइसेस की। ये मैंने यहां पर जेमिनी के पैरामीटर जो जरूरी है वो लिखे हैं। पाइसेस में धारा कारक नवांश है, और धारा कारक उससे सातवें भाव में, उपपद भी उससे सातवें भाव में है, तो पाइसेस से पाइसेस की दशा और अंतर दशा दोनों 100% क्वालिफाई कर रही है। उपपद से सातवें भाव की होगी और धारा कारक से भी सातवें भाव की होगी, और धारा कारक नवांश वहां पर बैठा है, तो इसको बगैर एक सेकंड लगाए भी जेमिनी के बेस पर हम कह सकते हैं कि ये बेस्ट दशा अवेलेबल है जिसमें कि नेटिव की मैरिज हो सकती है। अब आ जाते हैं हम योगिनी दशा, तो योगिनी दशा मैंने उस पीरियड में ये यहां पर आपको दिखाने के लिए लिया हुआ है। देखिये ये ब्राह्मरी में बद्रिका की दशा है, ब्राह्मरी एक्चुअली दशा होती है मार्स की और बद्रिका में दशा होती है मरकरी की। यदि किसी को इसमें कोई डाउट्स हो तो वो मेरी योगिनी दशा का वीडियो कम से कम देख सकते हैं, ये अंदाजा लग जाएगा कौन सी क्या दशा होती है। तो बद्रिका एक्चुअली मरकरी है। अभी यदि आप लिस्ट में जाओ हमारी में एलिजिबल प्लैनेट्स की में, तो देखिए यहाँ पे मरकरी एलिजिबल है, अंतर दशा लॉर्ड इसमें भी एलिजिबल है, तो ये भी हमें क्वालिफाई कर रहा है, योगिनी दशा भी इसको अप्रूव कर रही है। सभी तरीके से हमने चेक कर लिया। अब हम लास्ट में पहुंच जाते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। तो एक केपी एस्ट्रोलॉजी का एक वर्केबल वो है सूत्र, फुल प्रूफ नहीं है मगर वर्केबल है, फुल प्रूफ हम करेंगे बाद में जब केपी करेंगे, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि इसमें केपी में हम एक्चुअली उस पल तक भी पहुंच जाते हैं कि आज इतने बजे मैरिज होगी, इतने बजे फेरे पड़ेंगे, इतने तक उसमें पहुंच जाते हैं। अब उसकी एक्यूरेसी प्रैक्टिकली कितनी होती है ये एक अलग चीज है, मगर थ्योरिटिकली हम बिल्कुल एग्जैक्ट ये बता सकते हैं कि ये काम इतने बजे इस डेट को होगा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर सबसे पहले प्रॉमिस देखने का मैंने तरीका बताया था, उसकी हमने एक अलग से भी क्लास ली थी कि केपी से मैरिज कैसे देखते हैं। अब मैं ना ही तो केपी से टाइम निकाल रहा हूं यहां पर,
और ना ही कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं केवल केपी से कंफर्म कर रहा हूँ, डेट मेरे पास पहले से ही है, डेट मैंने निकाल लिया है, इट इज इन द मार्च 2025, ड्यूरेशन वो अराउंड मार्च एंड में आएगी, क्योंकि ट्रांजिट की कंडीशन इस तरीके से हो रही है, हो सकता है कि वो 31 मार्च को हो जाए, 10 मार्च को हो जाए और इसके आसपास 20 मार्च को हो जाए, उसके आसपास यहाँ पर मैरिज की पूरी पॉसिबिलिटी है। स्टेप 7 है केपी एस्ट्रोलॉजी में, प्रॉमिस देखते हैं। तो प्रॉमिस देखने के लिए आपको 7th कस्पल सब लॉर्ड लेना होता है, जहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इस 7th कस्प है सारे हाउसेस, हाउसेस को कस्प बोलते हैं, इस 7th हाउस का सब लॉर्ड ले लेंगे मून, ये मैंने लिख लिया मून। अब मून लिख लीजिए, भाव बाद में बताऊंगा। अब मून का आपको नक्षत्र लॉर्ड लेना होता है, ये मरकरी है, और सब लॉर्ड लेना होता है वीनस, ये 3 प्लैनेट काम के होते हैं मैरिज में। तो मैरिज जब भी केपी से देखनी हो तो 7th सीएसएल लो, कस्पल सब लॉर्ड को सीएसएल लेते हैं, जिस भी भाव से रिलेटेड परिणाम देखने हो उसका सब लॉर्ड ले लो। तो सब लॉर्ड ले लिया, वो एक प्लेनेट होगा, अब प्लेनेट वाली टेबल में जाकर उस प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड नोट कर लेते हैं। तो 3 प्लेनेट आए, मून, मरकरी और वीनस। अब मून से रिलेटेड हाउसेस की बात कर लेते हैं। ये जो है प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल है कि कौन सा प्लेनेट किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, भावों को सिग्निफाई करने से मतलब किन भावों के रिजल्ट उस प्लेनेट ने देने हैं। तो मून की लिस्ट में मैंने देखा 9-11, ये 9-11 लिख दिया। इसके बाद दूसरा प्लेनेट आ था मरकरी, तो मरकरी की लिस्ट में देखा 10-11, तो 10-11 लिख दिया। फिर तीसरा प्लेनेट आ रहा था हमारा सब लॉर्ड वीनस, वीनस की लिस्ट में आ रहा है 1-8-9-11-12, तो यहाँ पे 1-8-9-11-12 लिख दिया। मैरिज से रिलेटेड जो भाव होते हैं केपी में होते हैं 2-7-11, 2-7-11, इनमें से कोई एक भी भाव इनमें से नक्षत्र लेवल पे आ जाए, नक्षत्र लॉर्ड में आ जाए, सब लॉर्ड में आ जाए, सीएसएल में आ जाए, तभी भी प्रॉमिस बनता है हल्का फुल्का। दो में आ जाए तो वो थोड़ा स्ट्रोंग हो जाता है, और तीनों में से कोई भी भाव इधर और है, यानी कि 2-7-11 तीनों ही आने चाहिए, जितने ज्यादा आ जाए उतना बेटर है, मगर कोई एक भाव भी इन तीनों में से किसी एक में भी आ जाए तो एक पार्शियल प्रॉमिस बनता है। नक्षत्र लेवल पे आ जाए तो थोड़ा बेटर बनता है, वही यदि सब लॉर्ड लेवल पर भी आ जाता है तो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इन दिस वन पर्टिकुलर केस, इसकी केपी के हिसाब से मैरिज तो 100% होगी, कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि नक्षत्र लेवल पर भी आ रहा है, सब लेवल पर भी आ रहा है, सीएसएल लेवल पर भी आ रहा है, सो देर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस, इसको स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस बोलूंगा मैं, इट इज स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस, तीनों जगह पर आ रहा है, और बहुत सारे केसेस में तीनों जगह पर नहीं मिलता और मैरिज आसानी से होती है। तो पहला प्रॉमिस देख लिया, अब प्रॉमिस देखा, अब मैं ये वेरीफाई करूंगा कि करंट, यहां पर दशा लेनी होती है। मैं प्रीवियसली एमडी वगैरह यूज नहीं कर रहा था, मगर केपी में दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा तीनों लेते हैं, तो इससे भी हम केपी से भी उस दिन तक पहुंच सकते हैं जिस दिन मैरिज होती है। अब एमडी वीनस की थी और एडी सैटर्न की थी, जो हमने वहां पर दशाएं लगाई थी। देखिए ये जो हमने एलिजिबल दशा ली थी वो एमडी तो थी यहाँ पर आपको वीनस की, और वो सॉरी एडी थी सैटर्न की। तो अब हम ये देखते हैं वीनस सैटर्न क्या क्वालिफाई करता है, देखने का तरीका क्या होता है। इसके अंदर जो प्लेनेट जिसकी महादशा चल रही है उसकी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, ये जो नीचे लिखी है स्क्रिप्ट है। तरीका क्या होता है, वीनस की महादशा चल रही है, वीनस प्लेनेट पे आ जाओ, इसका नक्षत्र लॉर्ड और इसका सब लॉर्ड लिख लो। तो वीनस का नक्षत्र लॉर्ड यहां पर आपने देखा इस लिस्ट के अंदर, ये एनएल लिखा हुआ है, मून और सब लॉर्ड मरकरी। तो 3 प्लेनेट लिख लिए हमने, वीनस, मून और मरकरी, ये तीनों प्लेनेट हमारे पास आ गए। अब इनके रिलेटेड हाउसेज लिख लेंगे यहां पर हाउस सिग्निफिकेशन टेबल में, कि वीनस किन किन भावों के रिजल्ट देगा। तो 1-8-9-11-12 आ गया, मून किन किन भावों के रिजल्ट देगा, तो मून का आगे 9-11 है, और मरकरी किन भावों के रिजल्ट देगा, 10-11 है। यहाँ पे तीनों जगह पर 11th हाउस आ रहा है, 11th हाउस आ रहा है, इसका मतलब 100% इस दशा में भी मैरिज होगी। शुक्र की दशा, वैसे भी मैं बता देता हूँ केपी में भी यदि शुक्र की दशा है तो वो एलिजिबल होती है मैरिज के लिए। यदि ये भाव नहीं आ रहे हो और शुक्र की दशा है तभी भी हम कहेंगे कि शुक्र की दशा के अंदर मैरिज हो जाएगी, यदि भाव नहीं आ रहे हैं तभी भी। अब आ जाता हूं मैं, मैंने महादशा ने अप्रूव कर दिया, प्रॉमिस ने अप्रूव कर दिया, अंतर दशा जो हमने सेलेक्ट की है सैटर्न की, क्या वो प्रॉमिस देती है क्या? अब तो देखिए यहां पर एक ही क्लास में हम सीख सकते हैं किस तरीके से प्रॉमिस देखते हैं। सैटर्न प्लैनेट वो पकड़ लिया, उसका अंतर दशा लॉर्ड वीनस, ओ सॉरी नक्षत्र लॉर्ड वीनस है और उसका सब लॉर्ड भी वीनस है, तो तीनों को लिख लिया हमने, सैटर्न वीनस वीनस।
अब सैटर्न किन भावों को रिजल्ट दे सकता है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12 ये लिख लिया, 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12। शुक्र के पहले भी लिखे थे हमने 1, 8, 9, 11, 12, 1, 8, 9, 11, 12, तो तीनों जगह पर 11 आ रहे हैं फिर से, और एडिशनली 2 भी आ रहा है प्लेनेट लेवल पर, यहाँ पर 2 भी आ गया और स्ट्रांग हो गया ये, एक से ज्यादा भाव आ रहे हैं तो और स्ट्रांग हो जाएगा, 7 आ जाता तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता, तो एडी लॉर्ड इवन महादशा लॉर्ड से भी ज्यादा आतुर है रिजल्ट देने के लिए। वो ये कह रहा है कि मैं करा के मानूंगा मैरिज, तो ये अंतरदशा सैटर्न की में इनकी मैरिज होनी ही चाहिए। अब हम लगाएंगे सबसे आखिर में यहां पर ट्रांजिट, तो ट्रांजिट में हम दो तरीके के ट्रांजिट लगाते हैं। पहले हम देखते हैं उस ईयर में जब जुपिटर एक पर्टिकुलर राशि में है उसमें उसकी मैरिज हो सकती है कि नहीं। अब जैसे जुपिटर मई 2024 में एंटर हुआ है टू साइन के अंदर, और अगली राशि में जाएगा वो मई 2025 में, तो जुपिटर करेंटली टू साइन में। यहां पर हम क्या करते हैं, जुपिटर जिस साइन में उसके लॉर्ड की स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो जुपिटर टू साइन में उसका लॉर्ड हो गया शुक्र, शुक्र की स्क्रिप्ट हमने यहां पे अभी तैयार की थी देखिए, और शुक्र की स्क्रिप्ट के अंदर वो एलिजिबल है मैरिज के लिए, तो 11 साइन आ रहा है इसका मतलब शुक्र यहां पर शादी देगा, तो इतने शुक्र ने यहां पर अप्रूव कर दिया कि जो जुपिटर का जब ट्रांजिट है इसका मतलब जुपिटर जब तक टू साइन में रहेगा तो उस ड्यूरेशन में इस नेटिव की मैरिज होगी ही होगी, जुपिटर ये कह रहा है। अब केपी में हम ये नहीं बोलते पॉसिबिलिटी है, केपी में हम ये बोलते हैं होगा ही, 100% हो गया, जो कृष्णमूर्ति जी ये कहते थे कि आपने कोई भी चीज ऐसे नहीं होगी, ये पॉसिबिलिटी है जो हम वैदिक में बोलते हैं। केपी के अंदर वो कहते हैं कि नहीं आपका यदि ये आ रहा है तो आप उसे कहोगे आपका ये काम होगा ही, ऐसा 100% होगा, जिसे बोलते हैं 100% वर्ड मत लगाइए, मगर आप उसको बोलिए जोर लगा के कि ये इसकी शुक्र के अंदर होगा ही होगा। अब देखिए इसका हम सन का ट्रांजिट देखते हैं कि किस महीने में मैरिज होने वाली है, तो जो हमने जो मंथ निकाला था वो उसमें सन ट्रांजिट कर रहा है 11 या 12 साइन में, 12 साइन में देख सकते हैं, 11 साइन में, 12 साइन में, वहां पर उसके आसपास 15 मार्च के बाद वो 12 साइन में चला जाएगा, तो 15 मार्च के बाद देख लेते हैं 11 साइन में होगा उसके आसपास 15 मार्च के आसपास, तो यदि मैं 11 साइन में देखता हूं तो 11 उसमें उसका साइन लॉर्ड देखेंगे सैटर्न, तो देखिए सैटर्न तो ऑलरेडी अप्रूव कर रहा है यहां पर देख चुका मैं, और यदि इसके बाद वो 12 साइन में जाएगा तो भी मैं चेक करता हूँ कि जब वो 12 साइन में 15 मार्च के बाद उसकी मैरिज होगी क्या 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में, तो 12 साइन का लॉर्ड जुपिटर है, आप जुपिटर की स्क्रिप्ट तैयार कर लो, तो यहाँ पर जुपिटर आया, जुपिटर में राहु सैटर्न आ रहा है, तो जुपिटर में राहु सैटर्न आ रहा है तो देखिये जुपिटर तो भाव दे रहा है 3, 5, 8 खुद नहीं दे रहा, और राहु दे रहा है 2, 3, 6, 7, 10, देखिए 2 और 7 दे रहा है राहु, और सैटर्न ऑलरेडी यहाँ पर दे रहा है, हम देख ही चुके हैं सैटर्न को, देखा है 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, और भी स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस आ रहा है, मतलब उसका जो जुपिटर खुद नहीं दे रहा कोई बात नहीं, उसमें वो 5 साइन दे रहा है, तो उसको हम आगे देख लेंगे, मगर उसके जो नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड यदि दे देते हैं तो केपी के अंदर नक्षत्र लॉर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड किसी भी प्लेनेट के, प्लेनेट सबसे वीक लिंक होता है मगर उसका नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड रिलेटिवली स्ट्रोंगर होते हैं, तो इसकी 15 मार्च से लेकर और 15 अप्रैल के बीच में भी मैरिज हो सकती है, तो जो हमने टाइम निकाला वो केपी की कसौटी पर भी पूरी तरीके से खरा उतरा है, तो इन ऑन दैट बेसिस मैंने ये पूरा एक आपको केस स्टडी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, टेकिंग ऑल द थिंग इन टू कंसिडरेशन, और क्योंकि मैं पहले तो सोच रहा था कि शायद हम दो केस कर लेंगे पर इसमें टाइम कुछ जरूरत से ज़्यादा ही लग गया, तो वो प्रॉपरली बताने में उतना टाइम लगता ही है, तो इन दिस वे इस तरीके से हम किसी भी कुंडली के अंदर टाइम कर सकते हैं। अब मेनली इसमें जो फर्स्ट टाइम जो न्यू ज्वाइनीज थे जो इस पर्टिकुलर बैच में, उनमें से किसी को प्रॉब्लम है तो वो पहले पूछ ले। हाँ जी चोपड़ा जी आप बताइए आपको क्या पूछ रहे हैं। सर अभी जो हमने डिस्कस किया है उसमें जितनी दो तीन टेक्निक्स लगाई हैं बस हमने वही लगानी है, बाकी को वैसे ही मतलब वी विल हैव टू कीप इन माइंड द अदर्स नहीं कीप टेक्निक्स। इन माइंड तो उनको आप उनसे भी टाइम कर सकते हो, इसमें दो तीन नहीं लगाई सर, इसमें 20 टेक्निक लगी है। नहीं सर दशा को छोड़ दें, हम दशा ट्रांजिट इन चीजों को अगर हम छोड़ और दें क्या होता है तो किसी भी टाइम करने का तरीका?
नहीं सर, जैसे हमने BNL ले लिया, ठीक है जी, KP से कंफर्म कर लिया, तो जो और भी कोई टेक्निक्स हैं, जैसे वीनस को देख रहा है नहीं देख रहा, सर बहुत जुपिटर सारी वगैरह? चीजें लगा दी इसके अंदर जो लगानी थी। जी वीनस को सर, देख रहा है लगाया ना मैंने ट्रांजिट में। हाँ जी, हाँ जी, ट्रांजिट में लगाया सर। ठीक आपको ठीक मैंने, आप देखिए कितनी, सबसे पहले हमने प्रॉमिस देखा है, इसके बाद मैंने BNN लगाया है, नंबर 2, नंबर 3 पे मैंने दशाओं की भी टेक्निक लगाई है, नॉर्मल टेक्निक से नहीं किया, 3 टेक्निक है दशाओं की जो लगी है इसमें। जी एक SK मेहता टेक्निक लगाई है, फिर मैंने ट्रेडिशनल लगाई है, फिर मैंने जो उत्तर कालामृत में नवांश का जो कंसेप्ट है वो लगाया है, 3 दशाओं की टेक्निक है। इसके बाद मैंने इसके अंदर आठ आठ पॉइंट में है मगर 12 ट्रांजिट लगाए हैं हमने इसके अंदर। 12 मैंने इसमें लग्न लॉर्ड का भी ट्रांजिट यूज किया है, सेवंथ लॉर्ड का भी ट्रांजिट यूज किया है, सन का ट्रांजिट भी यूज किया है, डबल ट्रांजिट भी यूज किया है, इसके बाद सैटर्न के ट्रांजिट के फॉर्मूला यूज किया है, मार्स का ट्रांजिट फॉर्मूला यूज किया है, जुपिटर का ट्रांजिट फॉर्मूला यूज किया है, विवा सेम का ट्रांजिट फॉर्मूला यूज किया है, ये सारे ट्रांजिट कंसेप्ट यूज किए हैं जिन्हें की लोग इनमें से हर किसी भी एक से टाइम कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजिट हो रहा है इसलिए मैरिज हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने इसमें दशाओं से टाइम निकाला, ट्रांजिट के निकालने के बाद इसमें हमने जैमनी लगाया पूरा, जैमनी इसके अलावा कुछ नहीं है। जैमनी के जी अंदर ये जो कॉम्बिनेशन है राशि दशा है, यदि दारा कारक नवांश या उपपद लग्न या उनको एस्पेक्ट भी कर लेती है, उसी से हम जैमनी के अंदर टाइमिंग ऑफ मैरिज करते हैं। और जो जैमिनी चर दशा कंसेप्ट है केन राव सर जिसके बेस पे लगाते हैं वो इसके अंदर लग रही है। फिर इसके अंदर हमने योगिनी दशा से भी उसको कंफर्म किया है। इसके अलावा कोई टेक्निक होती नहीं है सर, ठीक है सर। इसमें कुछ ही नहीं बचा। बाकी आपको मैं बता देता हूं कि मैंने खुद एक मैंने आपको BV रमन टेक्निक कराई थी इनिशियली शुरू वाली क्लासेस में, जिसके अंदर हमने डिले भी निकाला था, जिसके अंदर मैंने सहधर्मी और संबंधी वाली दशाएं भी निकाली थी, उससे मैंने एक टेक्निक कराई थी। फिर मैंने आपको एक टेक्निक कराई है जिसके अंदर की टाइमिंग ऑफ एनी इवेंट, जिसको मैंने स्पेशल ट्रांजिट टेक्निक बोला है, उसको आप इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हो यदि जल्दी में देखना चाहते हैं, उससे लाइफ का कोई भी इवेंट हो सकता है। फिर मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी जिसको जो रिसर्च बेस्ड टेक्निक थी, जिसमें हम पहला दूसरा आठवां भाव भी यूज कर रहे थे, सेकंड हाउस भी यूज कर रहे थे, उसका मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए कहा था, तो मैंने एक क्लास के अंदर उसको आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी चार्ट्स पे वो टाइम करके बताया था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑथेंटिक या लेवल कोई टेक्निक बचती है। इंडिविजुअली कोई एक प्लेनेट है वो प्रॉमिस का हिस्सा होते हैं कि ये पर्टिकुलर प्लेनेट इसे देख रहा है तो मैरिज हो सकती है, वो जो पर्टिकुलर प्लेनेट वाले कंसेप्ट हैं वो अप टू वेरिफिकेशन है, हर केस में नहीं लगते, मगर प्रॉमिस वो बता देते हैं कि ये इसे देख रहा है या ऐसे प्लेस्ड है तो वो मैरिज की पॉसिबिलिटी है, मगर उससे टाइम करना सर पॉसिबल नहीं है। टाइम करने के लिए तो आपको दशा और ट्रांजिट के उपयोग के बगैर कोई नहीं टाइम कर सकता। जी सर, सर ठीक है सर, मैं एक बार आज का लेक्चर दोबारा सुनेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो सर एक चीज और है, पिछले लेक्चर का भी पूछ लूं सर? हाँ पूछिए क्यों नहीं। हाँ सर, जैसे हमने पिछले लास्ट लेक्चर में एक विदुर योग किया था ना सर, जी उसमें सर फिफ्थ आपने कहा था, सेवंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, आल्सो डेथ ऑफ वाइफ। सर ये फिफ्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, ये तो सर लव मैरिज का नहीं कॉम्बिनेशंस है? लव मैरिज का कॉम्बिनेशन तो है ये, एक्चुअली एज पर फलदीपिका ये विदुर योग के भी कॉम्बिनेशंस हैं। ये जो भी है कॉम्बिनेशन में क्लासिक से उठाए हैं, उनमें क्लासिक्स वाले बहुत सारे कॉम्बिनेशंस उतने कन्विंसिंग नहीं होते, पर एज इट इज फलदीपिका के अंदर दिया हुआ है। बहुत सारों का क्या है कि वो उसकी इनर थिंग्स तो बताते नहीं है, अब वो क्लासिक्स में है तो वो कुछ उन्होंने सोच के बना रखा होगा कि फिफ्थ लॉर्ड यदि 11th हाउस के अंदर गया अपने से थर्ड के अंदर चला गया, थर्ड भी आयु को रिप्रेजेंट करता है, वो वहां से 11th के अंदर चला गया तो वो उन कॉम्बिनेशन को कंसिडर कर रहा है। अब वो किस हिसाब से कंसिडर कर रहा है वो उतना कुछ कन्विंसिंग मुझे भी नहीं लगा, बट दीज आर द कॉम्बिनेशन में सारी चीजें हैं जो मैंने लिखी है वो फ्रॉम द क्लासिक्स लिखी हुई हैं, और उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत कन्विंस नहीं करती पर हमें उन्हें मान के चलना पड़ेगा। सर इसमें जितने भी जे हैं अपना 12-13 पॉइंट्स लिखाए थे विदुर योग में, इसमें सर हम जो मतलब विदुर योग का हम यहां ऐसे लेंगे कि भी वाइफ पहले चले जाएगी? नहीं मैं वो सर नहीं मानता, मैं ये कहता हूं कि वहां पर कोई सेपरेशन जैसी स्थिति क्रिएट होगी,
ठीक है जी, लेकिन इस जाएगी की कोई वेरिफिकेशन है नहीं एक्चुअली बहुत। और हो सकता है आप ये भी कह सकते हो, आप वाली बात भी बिल्कुल ठीक है कि विदुर योग हो रहा है, पर ये क्या है कि वो उस टाइम में विदुर योग जो बोलते थे ना, वो सब कुछ मेल डोमिनेंट है जो लैंग्वेज है, उसमें ये भी हो सकता है हस्बैंड जल्दी चला जाए, मतलब जिसकी कुंडली में, महिला की कुंडली में तो उसका पति जल्दी जाएगा और पुरुष की कुंडली में तो उसकी वाइफ जल्दी जाएगी, आप ऐसा कह सकते हो। जी सर, जी सर, तो उसमें एज तो कोई है नहीं है, मतलब हम यही मानेंगे कि जब भी वो पहले जाएगा जिसकी भी कुंडली में है, एज तो हम इसमें कोई कैलकुलेट वेरी नहीं कर गुड सर, सकते। आपने बल्कि मेरा एक कंसेप्ट और वो कर दिया, ये चीज मैंने सोची ही नहीं थी, तो ये जी सर, आपने बता दिया मुझे ये चीज कि उनमें ठीक है से सर, किसी की भी एक का जो स्पाउस है उसकी जिसकी कुंडली में ये है, तो विदुर का मतलब तो ये है वो किसी भी एज में विडो ये हो जाएगा। जी सर, जी, ही कैन बी इन द ओल्ड एज, इट कैन बी इन हाँ दी इनर एज यंग अकेला रहेगा एक तरीके से कह एज। हाँ सकते जी, हो। हाँ जी, हाँ जी, जी, ठीक है सर। बाकी सर अगर कोई और होगा तो फिर सर वो कोई बाद में बात नहीं, पूछेंगे वो तो सर। जी ऑलवेज आप पूछ सकते हो, ये मैं जी इसको सर, रो एक चीज है सर, कभी भी हमें ये जरूर बताइएगा सर, कभी ना अगर पॉसिबल है कि हम अपना ईष्ट देव किस तरीके से देखें, अलग अलग तरीके बताए गए हैं, अभी कभी बताना सर। आपको इष्ट देव मैं अभी बता देता हूं, जी सर, आप अपनी कुंडली का आत्मा कारक निकाल लो, जी नवांश में चले जाओ, कहां बैठा है जी उसके बाहर में भाव के अंदर जो भी प्लेनेट बैठा है, आत्मकार का नवांश में जहां बैठा है, उससे बाहर में भाव में जो भी बैठा है नवांश में, जी वो आपका इष्ट देव है। उससे उससे रिलेटेड प्लैनेट के जो भगवान है वो इष्ट देवता हो गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका जैसे जैमिनी सपोज। सूत्र में क्लियर कट लिखा हुआ है, जी सर, ये जैमिनी सूत्र के बेस पे एक दूसरा भी कंसेप्ट है, पर ये ज्यादा रिलायबल है, इसको ज्यादातर लोग मानते हैं। सर मान लो वहां पे कोई प्लेनेट नहीं बैठा तो उस फिर राशि का जो लॉर्ड लॉर्ड होगा। ले लेंगे, लॉर्ड ले लेंगे, दो बैठे हैं तो षडबल में जो बली है उसे लेंगे, अच्छा जी, नहीं एस्पेक्ट वाला लेते हैं लॉर्ड से पहले, पहले प्लेसमेंट देन एस्पेक्ट देन लॉर्ड। देन लॉर्ड, ठीक है जी सर, क्लियर सर। अच्छा सर, सपोज जुपिटर है तो हम फिर विष्णु भगवान लेंगे। विष्णु भगवान तो हमेशा ही ले सकते हो, अच्छा जी, हाँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, आपको किसी रेमेडी की वो जरूरत नहीं है। जी जी सर, वो तो हमेशा ही करते हैं सर, ऐसा विष्णु है कि सहस्त्र। देखो सभी, मैं तो पहले भी बताता हूँ, सभी प्लेनेट भगवान के अधीन है, कोई भी प्लेनेट का इंडिविजुअल उतना एग्जिस्टेंस नहीं है, जब आप सुपर पावर को यदि प्रे कर रहे हो तो बाकी तो आ ही जाते हैं, पर यह कि इंडिविजुअल को आप प्रे करते हो तो थोड़ा असर जल्दी होता है, क्योंकि वो आप उसी की पर्टिकुलर पर्सन की पूजा कर रहे हो तो वो आपको सामने सामने ज़्यादा जल्दी खुश होगा, मगर यदि आप विष्णु भगवान की पूजा करोगे तो वो हो ही जाएगा। जी प्रगति मैम आप पूछिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ जी सर, सर वो ये जो आपने स्टेप नंबर 1 बताया ना प्रॉमिस देखने के लिए, जी इसमें जैसे सेवेंथ लॉर्ड जो है मंगल, वो बैठा है 11th हाउस में राहु केतु के एक्सेस एक्सेस में, पर जी, और जो वीनस है वो नीच राशि में बैठा है लेकिन नीच मंग हो रहा है, जी और बट इसके अंदर सेवेंथ हाउस में एस्पेक्ट नहीं आ रहा कोई भी मैलेफिक, जी तो हम इसीलिए इसमें प्रॉमिस देख रहे हैं, अगर ये सेवेंथ हाउस में एस्पेक्ट आता सपोज तो फिर प्रॉमिस वीक होता। दिक्कत ऐसा है, सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड दोनों ही यदि नवांस और डीवन दोनों जगह पे पीड़ित हो जाएं तब डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है। अच्छा, आज खाली अगर सिर्फ D1 में सपोज राहु के, राहु और सैटर्न से वो पीड़ित है, सेवेंथ लॉर्ड राहु से पीड़ित है और सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न और राहु से पीड़ित है, तो भी हम अगर D9 चार्ट साफ है तो मैरिज बोल सकते हैं कि डी हाँ हो नाइन तो सकता करा है। ही देगा, डी नाइन तो ज्यादा D9, हाँ ताकतवर है, D9, हाँ मैरिज के केस में ज्यादा ताकतवर है, वो तो मैरिज करा ही देगा, उसकी जिम्मेवारी मैरिज कराना है, तो नवांश चार्ट में यदि आपका प्रॉमिस बन रहा है और D1 में एक्चुअली नवांश देख ही इसीलिए रहे हैं कि D1 में जो दिखाई दे रहा है वो नवांश में भी दिख रहा है क्या, या उससे कुछ अलग आ रहा है, उलट आ रहा है, तो आप नवांश को ये कंसिडर करेंगे वो करा देगा मैरिज। अच्छा सर, जैसे नवांशा में D9 में अगर 8th हाउस में राहु बैठा है तो राहु भी शादी करा सकता है राहु की दशा में। मैडम, ऐसे देखो अलग अलग जगह जगह अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, हाँ नहीं पर कॉम्बिनेशंस भी वैसी मैं ही, इन तो जनरल पूछ रही हूँ, मैं इन जनरल पूछ रही हूँ। नहीं ऐसा तो अब राहु का कंसीडर करते हैं बहुत सारे लोग कि राहु की दशा में मैरिज हो ही जाती है,
और वो इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि जिसके बारे में पता नहीं है उसके बारे में कुछ भी कह दो, वो वाली स्थिति है कि राहु के बारे में ज़्यादा तो पता ही नहीं है किसी को, कोई उसका एस्पेक्ट मानता है, कोई उसकी उच्च मानता है, कोई नीच मानता है, कोई राशि मानता है, कोई उसको कुछ भी नहीं मानता, एक्सिस मानता है, जैसे हम कुछ नहीं मानते, हम केवल राहु केतु एक्सिस मानते हैं, ना उसका एस्पेक्ट मानते, ना उच्च मानते, ना नीच मानते, ना राशि मानते। बहुत सारे लोग उसको एज ए प्लैनेट कंसीडर करते हैं कि वो उसकी एस्पेक्ट भी होगी, वो उच्च का भी होगा, उसकी राशि भी है, वो नीच का भी होगा, सब कुछ कंसीडर करके चलते हैं। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं, इसलिए वो उसको एक्सक्लूड कर दो आप। वो एट्थ में बैठा है तो राहु कैसे मैरिज कराएगा, कुछ जस्टिफाइड मुझे लग नहीं रहा। नहीं, जैसे सर आपने जैसे मतलब बी वन के जैसे कॉम्बिनेशंस बताए थे कि एट्थ लॉट की भी दशा में शादी हो सकती है, तो उसमें जैसे बैठे हुए ग्रह भी हो वो भी शादी करा सकते हैं। राहु तो कैसे कराएगा, राहु तो एट्थ हाउस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मेरे साथ। नाइन्थ मतलब डी नाइन वाले नहीं देखेंगे हम उसमें, एट्थ हाउस में। नहीं, नहीं। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। हेलो जी सर, आवाज आ रही सर मेरी? हेलो, हाँ मैं सर ये कह रहा था, आपने इसमें पहला जो चार्ट बताया था उसमें बोला था सैटर्न उसको देख रहा है लगन लोड को, जी बोला सर, है ना, तो उसमें बोला था कि ये अति योग कारक होने से देख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसको प्रबल दृष्टि या अच्छे से देख रहा है, ऐसा बोला, बेनिफिक देख रहा है जी। तो सर सैटर्न अपने नेचुरल कारक तत्व के हिसाब से नहीं करेगा, करेगा उस तो में। डिले करेगा, सैटर्न भी डिले करेगा, बट एक जो अति योग कारक प्लेनेट होता है उसका जो फंक्शनल इन्फ्लुएंस इन गिवन कुंडली उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं बाकी से। अच्छा, क्योंकि चलिए ठीक है, उसकी एक्चुअली स्ट्रेंथ ऐसी होती है, पराशरी में इतने योग हैं कि अति योग कारक प्लेनेट तो जिसके साथ जाकर यदि 6-8-12 में भी बैठ जाए और कैसी स्थिति में भी मैलिफिक प्लेनेट से भी बेनिफिक रिजल्ट दिलवा देते हैं, तो उस चीज को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। बाकी मैं तो ऑलरेडी कहे कि उसका नेचुरल मैलिफिक इन्फ्लुएंस रहेगा, मैंने उसको वीनस को बहुत ज्यादा वो नहीं किया, हालांकि 12th हाउस में बैठकर वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है वीनस, हाँ देता है सर, उच्च का रिलेटेड, पर सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है और भी उस पर इन्फ्लुएंस है, इसलिए वो प्योरली रिजल्ट उतने बढ़िया दे नहीं पाया, वरना नेटिव की मैरिज हो ही जाती। करेक्ट है सर, जी जी करेक्ट, ठीक है सर। बाकी चीजें तो मतलब थोड़ा अभी आपने जो पूरा कॉम्पैक्ट करके और पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया दैट इज वेरी गुड, बट वो मुझे अभी एक बार वीडियो देखना पड़ेगा, क्लास में भी यही डिस्कस करूंगा मैं, आज वेडनेसडे है, फ्राइडे वाली क्लास में मैं एक न्यू केस लूंगा, तो हम 3-4 केस ही डिस्कस करेंगे, बाकी मुझे ज्यादा कुछ कराना नहीं है। और दो कुंडलियां जी, दो कुंडलियां मेरे पास है सर, टाइमिंग ऑफ मैरिज की 31 क्रोस है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब है बच्चे की, एक सीए लड़की है, तो अगर आप कहें तो डालू मैं सर, ऐसा है मेरे पास बहुत बने हुए हैं और टाइम आपको नहीं, नहीं कोई बात नहीं सर, नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रहा था, रिक्वेस्ट ये है मेरे पास ना, टाइम की इतनी ज्यादा शॉर्टेज हुई पड़ी है आजकल। नहीं नहीं सर, वो डिस्कशन के हिसाब से, बाकी और कुछ नहीं है, इसलिए बोला रही हूं मैं, एक्चुअली इसमें बनाना पड़ता है लाइव, इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते एडवांस में। हाँ नहीं नहीं, उसमें लड़के के क्या है कि 5 प्लेनेट 9th हाउस में, तो वो शायद ऐसा वियोग या कुछ होता ना, एक वो संत योग कौन सा बनता है, संन्यास योग ऐसा कुछ लग रहा है, बट इंटरेस्ट तो है उसमें, तो मुझे समझ नहीं आया था, इसलिए सोचा देख लेंगे, वो तो हम आगे किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कुंडली एनालिसिस कोई नहीं सर, क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आप भेज देना बिल्कुल बिल्कुल, और इसके बाकी आगे वाली चीजें तो मुझे एक बार वीडियो कल देखूंगा मैं, आप जो डालोगे उसके बाद ही कुछ, क्योंकि थोड़ा हेवी हो गया मेरे लिए। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर एक सेकेंड सर, वो आपने आपको बोला था ना कि वो वाला एक चीज बताना कि कौन रिश्ता लेकर आएगा, मतलब कहाँ से, मतलब अच्छा अच्छा वो आप पे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मैं भूल गया था, ये टेक्निक जरूर बताइए, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, दो तीन थ्योरी के टॉपिक ले लूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तो वो एक दो चीजें और बता दूंगा, अभी सेकंड मैरिज से रिलेटेड भी मुझे बताना है, तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सुभाष सर। अनम्यूट कर लो सर, अनम्यूट सर, नहीं सुन रहा,
सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। वो हो नहीं रहा है शायद, उनको मैं बोला है, आवाज तो मेरी भी जा वो रही है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, उनका हो नहीं हाँ, पा रहा था। वो कुछ हैंगअप हो रहा है सर। चलो सर, नेक्स्ट क्लास में पूछना फिर। आप तो वैसे ही ज्ञानी, हम तो आपसे ज्ञान लेने का इंतजार कर रहे होते हैं कि आप कुछ बोलोगे तो दो चीजें पता चल जाएंगी। सुना ही नहीं दे रहा सर क्या बोल रहे हैं। अग्रवाल साहब, सर ग्रुप में या पर्सनल टाइप करके कोई पूछ लूंगा आपसे, वही बेहतर जी ठीक है सर जी। राजेंद्र जी, है। नमस्ते सर। जी नमस्कार जी। ये सर आपने बताया था प्रॉमिस में अपन ने जैसे इसमें नवांश में लग्न को और लग्ने लग्न लाड को नहीं देखना है क्या? हाँ, नवांश में देख सकते हैं, वो एक्चुअली मैंने इसमें जी चेक नहीं किया, नवांश में भी देख सकते जी हैं लग्न लग लोड को। हाँ जी, अभी आपने जो बताया था उस पर लग्न को और लग्नेश को नहीं लिया था हाँ, वो नाइन्थ। नहीं देखा मैंने, देख सकते हैं उसे भी। जी, जी ठीक ठीक है सर, नमस्ते। है, चलो एंड करते हैं सर फिर क्लास आज। नमस्कार जी सर, नमस्कार, गुड नाइट। सर आपने कहा था कि लग्नेश उसमें नहीं हो जी गया, और कहते हैं लग्न में शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र देख भी रहा है हाँ, वो आप। पर वो इंडिविजुअली हमने लग्न एक्चुअली वो उसकी D9 की शायद नहीं की थी। कोई बात नहीं, चलो ठीक है ठीक सर, गुड ठीक नाइट है, ओके नमस्कार जी सर, नमस्कार।